शराब, सेक्स और खून, ये तीन शब्द काफ़ी हैं ऑटो शंकर को परिभाषित करने के लिए। ऑटो शंकर, जिसने मात्र 6 महीनों में मद्रास की सड़कों को नरक में तब्दील कर दिया। मद्रास में समंदर के किनारे बसे एक शांत गांव का खूंखार बसिंदा एक लोकल गुंडे से सीरियल किलर में तब्दील हो गया। गौरी शंकर 1955 में वेल्लोर तमिलनाडु में पैदा हुआ, उस वक्त जब वहाँ से लोग काम धंधे के चक्कर में मद्रास चले जाते थे। मद्रास सपनों का शहर हुआ करता था और दक्षिणी यूथ और मिडिल क्लास को काफ़ी सूट भी करता था। शंकर भी मद्रास पहुंच गया क्योंकि उसे लगता था कि मद्रास उसके लिए ही बना है। फिल्मों का शौकीन, पेंटिंग और डांसिंग में रुचि रखने वाला शंकर मद्रास में खुद को देख रहा था। कॉलीवुड शंकर का पहला प्यार था और मद्रास कॉलीवुड का सेंटर था। पेरियार नगर में पेंटर का काम लेकर वो वहीं बस गया। उस वक्त तक मद्रास इतना नहीं बसा था जितना आज हम उसे देखते हैं, उसका आधा भी नहीं। शहर बहुत ही छोटा था और आज हम जिस जगह को तिरुवनमयूर के नाम से जानते हैं वो उस जमाने में एक सूना पड़ा मछली पकड़ने का अड्डा था। वहाँ अगर कोई दिखता था तो बस मछुआरे। आज वहाँ गाड़ियों का शोर और उगे हुए घर हैं। उगे हुए इसलिए क्योंकि उन्हें बाद में बनाया गया। उस वक्त वहाँ सब कुछ वीरान था। ये सब कुछ काफ़ी फिल्मी सा लगता है, एकदम ऑटो शंकर के नाम और उसकी कहानी जैसा। तिरुवनमयूर से लेकर महाबलीपुरम तक का पूरा तट मछुआरों की बस्ती ही हुआ करती थी। चारों ओर या तो मछुआरे दिखते थे या ताड़ और नारियल के पेड़, एकदम किसी पेंटिंग जैसा। सड़कें अभी भी यहाँ तक नहीं पहुँची थी। सब कुछ इतना शांत, इतना कुशलता से चल रहा था कि पुलिस वाले इक्के दुक्के ही दिखाई देते थे। इंसानी फितरत ही यही है कि कुछ भी अच्छा होने लगे तो हम बुरे की कल्पना छोड़ देते हैं। ऑटो शंकर का जन्म इसी फितरत को काटने के लिए हुआ था। 80 के शुरुआती दशक में तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ की कानून व्यवस्था को एक झटका लगा। वजह थी शराब। गौरी शंकर से ऑटो शंकर की तब्दीली का पहला कारण बनी शराब। तमिलनाडु सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी और झट से हटा भी लिया, और एक बार नहीं बल्कि दो बार। और यहीं शंकर ने बजबजाती गैर कानूनी दुनिया में पहला कदम रखा। हुआ यूं कि मद्रास का जितना भी तटीय इलाका था वो ताड़ के पेड़ों से अटा पड़ा था। पता लगाना मुश्किल था कि रेत ज़्यादा है या ताड़ के पेड़। साथ ही वो जगह इतनी सुनसान और आम पहुंच से दूर थी कि लोकल शराब बनाने के लिए वो सबसे मुफीद जगह थी। थोड़ा रिस्क जरूर था लेकिन पैसा भी कम नहीं था। इसी वक्त शंकर ने पेंटिंग बनाने का काम छोड़ ऑटो चलाना शुरू कर दिया। वक्त को ध्यान में रखा जाए, समय था 80 का शुरुआती दशक। गैर कानूनी शराब लाने ले जाने के लिए इन ऑटो रिक्शा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ शहर की सड़कों पर आराम से बिना रोक टोक दौड़ सकती थी। साथ ही शहर को उनकी इतनी आदत लग चुकी थी कि शक की सुई उन पर सबसे आखिरी में जाती थी। गौरी शंकर अब एक शराब का तस्कर बन चुका था। शहर में शराब की आवाजाही से उसे तगड़ा मुनाफा होने लगा था, और क्राइम का ऐसा है कि वो वैक्यूम क्लीनर सा काम करता है। एक बार आप चक्कर में पड़े तो खींचते ही चले जाता है। शंकर ने खुद को अपग्रेड किया। अब एक स्मगलर की बजाय वो सेक्स रैकेट में दलाल बन चुका था। साथ ही अपने ऑटो का इस्तेमाल वो वैश्याओं को ले जाने और ले आने में करता था। यहाँ से शंकर की एंट्री हुई मद्रास के अंडरवर्ल्ड में। शंकर का ओहदा और रुतबा दोनों ही बढ़ चला था। अब उसका खुद का एक गैंग था। गैंग में नंबर 2 की पोजीशन वाला था मोहन, उसका छोटा भाई। साथ में एल्डिन और शिवाजी भी थे। ये तीन इसके खास थे। इसके अलावा 5 और थे। इस गैंग ने मिलकर तिरुवनमयूर पर राज करना शुरू किया। सभी गैर कानूनी काम जो हो रहे थे इन्हीं की कृपा से हो रहे थे, और इसके साथ फल फूल रहा था शंकर का सेक्स का धंधा। पेरियार नगर में उसका मेन अड्डा बना हुआ था। ये काम झोपड़पट्टियों में जोरों शोरों से चल रहा था।
साथ ही इसकी एक छोटी ब्रांच साउथ मद्रास की एक मशहूर और व्यस्त सड़क एलबी रोड की लॉज में भी खुली हुई थी, जिन्हें उसके इन कारनामों के बारे में मालूम था। दबी जुबान में कहते थे कि शराब की तस्करी और सेक्स रैकेट चलाने का काम बिना पुलिस की मदद के हो ही नहीं सकता, और ये बात सच भी थी। शंकर के ऊपर कई पुलिस वालों का हाथ था और कई पुलिस वालों के ऊपर शंकर का हाथ। क्राइम की दुनिया में शंकर का नाम तब बड़ा हुआ जब शंकर ने कुछ टॉप मिनिस्टर्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को वेश्याएं सप्लाई करनी शुरू कर दी। यहाँ से शंकर पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला था, ये बात उसे बखूबी मालूम भी चल चुकी थी, और यहीं से उसके मन में कानून से ऊपर होने की गफलत पल गई। 1988 के आखिरी हिस्से में तिरुवनमयूर से 9 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई। पुलिस के पास शिकायत भी की गई। पुलिस, जिसे शंकर के कारनामों की पूरी जानकारी थी, मामले को टरकाने में लग गई। उनका कहना था कि वो सभी लड़कियां सेक्स रैकेट में काम करने लगी हैं और अपनी मर्जी से घर से भागी हैं। लेकिन जब लड़कियों के घर वाले इस आरोप को लगातार नकारते रहे तो पुलिस को झक मारकर तफ्तीश करनी ही पड़ी। उन लड़कियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। शंकर के रैकेट में एक लड़की थी, ललिता। जब उसे ललिता के भागने के बारे में पता चला तो वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। उसका पता मिलने पर शंकर उस तक पहुंचा, उसे और उसके प्रेमी को पेरियार नगर वापस लेकर आया। वहाँ ललिता को पीट पीट कर मार डाला। ललिता के प्रेमी को शंकर ने आग में भून दिया। उसकी जली हुई लाश को उसने समुद्र में फेंक दिया। ललिता की लाश 1.5 साल बाद मिली। उधर एलबी रोड पर मौजूद उसके सेक्स रैकेट के दूसरे अड्डे पर एक दिन एक घटना हुई। वहां 3 लड़कों ने एक वेश्या को जबरदस्ती उस लॉज से बाहर ले जाने की कोशिश की। शंकर वहीं मौजूद था, वो लड़ पड़ा। लड़ाई सिर्फ कहासुनी से शुरू हुई थी जो बढ़ चली। शंकर ने उन्हें भी पीट पीट कर मार डाला। एक बार फिर पेरियार नगर में ही उन लड़कों की लाश गाड़ दी गई। दिसंबर 1988 में शंकर की शराब की एक दुकान से बगल से गुजरती लड़की को लगभग अगवा कर ही लिया गया था। वो कैसे भी गुंडों से बच निकली और सीधा पुलिस के पास जा पहुंची। पुलिस इस बढ़ती गुंडागर्दी से तंग आ चुकी थी। पुलिस के कुछ अफसर अंडरकवर होकर काम करने लगे। वो उस शराब की दुकान में पहुंचे जहां लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई थी। वहीं पहली बार उनके सामने ये नाम आया, ऑटो शंकर। ऑटो शंकर यानी वो आदमी जिससे सभी डरते थे और जो निर्दयता की हद तक क्रूर था। पुलिस को जो बताया गया उसके मुताबिक उस ऑटो शंकर को आदमियों को जलाकर समंदर में फेंकना बेहद पसंद था। इतना सब कुछ होने के बाद अगली सुबह पुलिस ने गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया। जून 27, 1988, दुनिया को ऑटो शंकर के बारे में मालूम चल रहा था। शंकर को तुरंत ही बेल मिल गई। उसके पुलिस और पॉलिटिक्स में काफ़ी कनेक्शन थे। इसी वक्त तमिलनाडु में पॉलिटिकल उथल पुथल भी खूब चल रही थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की मौत हो गई थी। वहां गवर्नर का शासन चल रहा था। इस समय गायब हुए लोगों के परिवार वालों ने गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास अपनी समस्या पहुंचाई। तिरुवनमयूर की पुलिस कुछ भी करने में नाकाम रही थी। गवर्नर अलेक्जेंडर ने इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनवाई। आरी नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस में स्पेशली तैनात किया गया, क्योंकि वो शंकर को पर्सनली जानता था और उसकी आदतों से भी वाकिफ था। आरी ने जो जानकारियां इकट्ठा की उन्होंने इस तफ्तीश में काफ़ी मदद की। पुलिस ने शंकर के पूरे गैंग को रिमांड पे लिया और भरपूर इंटेरोगेशन की। गैंग के ओरिजिनल मेंबर एल्डिन सबसे पहले लीक हुआ। उसने जुर्म कबूल किए और सरकारी गवाह बनने को राजी हो गया। सह पाकर पुलिस शंकर के पास पहुंची और फिर से अरेस्ट किया। इस बार उसने भी जुर्म कबूल लिए। पुलिस ने पेरियार नगर से 5 लाशों को बरामद किया। शंकर ने उन्हें सीमेंट की दीवारों में चुनवा दिया था। लाशों का बरामद होना महज शुरुआत थी। जब शंकर की प्रॉपर्टी खंगाली गई तो एक डायरी मिली। डायरी में वो सब कुछ था जो खुले में आना बेहद जरूरी था।
उसमें ऐसे तमाम पुलिस वालों का नाम था जो उसकी मदद किया करते थे। साथ ही कई पुलिस वालों की फ़ोटो भी मिली जिन्होंने शंकर के साथ खड़े होकर पोज देते हुए फ़ोटो खिंचवाई थी। दो पुलिस वाले तुरंत ही सस्पेंड कर दिए गए। एक DSP को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। बाद में उसे भी सस्पेंड कर दिया। शंकर ने अदालत में बताया कि उसके क्राइम के पीछे मेन हाथ सिनेमा का था। उसे फिल्मों में दिखाए क्राइम से प्रेरणा मिलती थी। उसे फिल्मी विलेनों जैसा बनना था। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सेमिनार में कहा था कि शंकर के मॉरल करप्शन की वजह भी सिनेमा ही थी। हालांकि बाद में शंकर ने जो भी बताया वो बहुत ही निराशजनक और शर्मनाक था, हैरान करने वाला भी। उसने अपने कबूलनामे और कई रिपोर्टरों से बात करते हुए ये बताया कि उसने जिन भी लड़कियों को किडनैप किया या किडनैप करने की कोशिश की वो पॉलिटिशियंस के लिए थीं। उसने कहा कि जब पॉलिटिशियंस उनका रेप कर देते थे तो वो उन्हें मारकर समंदर में फेंक देता था। अभी तक शंकर और उसका गैंग पलावरम पुलिस स्टेशन में बंद थे। उन्हें अब मद्रास सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। वहां से शंकर अपने चार साथियों के साथ भाग निकला। कहते हैं उसकी मदद एक महिला ने की थी। बाद में पता चला कि तीन जेल वार्डन ने मिलकर शंकर की मदद की थी। शंकर को फिर से उड़ीसा में पकड़ा गया, राउरकेला, जहां मशहूर स्टील प्लांट मौजूद था। तीनों जेल वार्डन को 6-6 महीने की सजा दी गई। लेकिन हालात ये थे कि जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद उसकी स्टाइल में कोई कमी नहीं आई। उसे जेल में भी विस्की मिलती थी। पैसे और भ्रष्ट पुलिस के दम पर सेक्स छोड़कर उसे जेल में सब कुछ मिल जाता था। शंकर के जेल से भागने की वजह से उसकी सजा में छूट के सभी रास्ते बंद हो गए। बाद में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा होने के बाद उसने राष्ट्रपति को माफीनामे के लिए एक चिट्ठी भेजी। मौत की सजा पर प्रेसिडेंट ने माफीनामे पर साइन करने से भी मना कर दिया। उस वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी में शंकर दयाल शर्मा बैठे थे। मर्सी प्ली के रिजेक्ट होने के कुछ ही दिन बाद अप्रैल 27, 1995 में सालेम जेल में गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह से हुआ एक काले इतिहास का खात्मा। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि पुलिस के करप्शन की वजह से एक साधारण ऑटो चालक कैसे एक इतना बड़ा अपराधी बन जाता है और बाद में पुलिस की सह से ही वो छूट भी जाता है और जेल से भी भाग जाता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।